दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो तीनों फार्म बिल हैं जो अभी अभी पास हुए हैं उसका फ्यूचर इंपैक्ट हम पर क्या पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों यहां पर ये इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आप सबके लिए। 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये बिल जो है काफी बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि MSP को मैंडेटरी गवर्नमेंट क्यों ना करे, इस पर मैंने एक अलग से काफी अच्छा लेक्चर बनाया है और यहां पर आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर आप लगातार ये सवाल उठा रहे हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमने इन तीनों फार्म बिल पर अलग अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। इन तीनों वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इन तीनों वीडियो को अगर आपने दोस्तों देख लिया होगा तो आपको ये तीनों फार्म एक्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और उसके बाद आपको ये लेक्चर समझने में काफी आसानी होगी। तो दोस्तों अब तीनों एक्ट का समराइज करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा हर किसी एक्ट का मैं यहां पर प्रोविजन यूज करूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फार्मर्स की, तो यहां पर फार्मर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों फार्मर्स को यहां पर मार्केट ऑप्शन अब उसके लिए 4 हो चुके हैं। तो किस किस तरीके के मार्केट ऑप्शन है, पहला दोस्तों APMC है ही है, यानी गवर्नमेंट ने यहां पर APMC को डिसमेंटल तो किया नहीं है, तो अभी भी किसान चाहे तो यहां पर जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है फार्मिंग एग्रीमेंट का, इसमें काफी सारे किसान मिलकर किसी भी कॉरपोरेट के साथ कोलेबरेशन कर सकते हैं और यहां पर उस कॉरपोरेट को डायरेक्टली अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच सकते हैं प्री डिसाइडेड रेट पर, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए। अगर यहां पर किसान इन दोनों ऑप्शन का फायदा नहीं उठा पाते तो वो ईनेम पर अपने आप को रजिस्टर करके भी अपना प्रोडक्ट काफी हद तक बेच सकते हैं डिजिटल माध्यम के थ्रू, तो यहां पर इस चीज का भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर वो प्राइवेट मंडी में खुद से चलकर जाकर बेचना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट ले जाकर के बेचना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन होगा। तो पहले से दोस्तों अब ये 3-4 एक्स्ट्रा ऑप्शन बढ़ चुके हैं। इसके बाद से दोस्तों दूसरा फ्यूचर इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो कुछ इस तरीके का है कि अब प्राइस रेंज डिसाइड होगी प्रोडक्ट की, और यहां पर अगर कोई भी कॉर्पोरेट इसको होर्डिंग करके ब्रिज करने की कोशिश करेगा तो गवर्नमेंट यहां पर लीगल एक्शन लेगी, यानी यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक फिक्स प्राइस रेंज का बैंड होगा। और दोस्तों ये शेयर मार्केट में भी होता है, हर शेयर के ज्यादा राइज होने की भी एक लिमिट होती है, उसी लिमिट में वो घट या बढ़ सकता है, तो मार्केट में स्टेबिलिटी रखने के लिए ऐसा किया गया है। सेम ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट में भी आइटम्स की प्राइस को एक तरीके से रखने, मतलब फिक्स रखने के लिए यहां पर कुछ ऐसा किया गया है, एक फिक्स रेंज बना दी गई है। देखिए दोस्तों यहां पर इसेंशियल आइटम एक्ट में गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई आइटम का दाम एकदम से बढ़ जाता है तो उस पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। तो यहां पर नॉन पेरिसेबल आइटम के लिए यह है 50% रेंज और पेरिसेबल आइटम के लिए यह है 100% रेंज। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए दोस्तों जो ये इंक्रीज है एक्चुअली में ये 12 महीने पहले के उस आइटम का लिया जा सकता है, या फिर एक तरीके से 5 साल का जो रिटेल प्राइस है एवरेज उसके थ्रू इसको निकाला जा सकता है। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है आलू का, आलू को मैंने यहां पर दोस्तों पेरिसेबल आइटम माना है, और इसके अलावा जो चीनी हो गया, दाल हो गया या तेल हो गया उसको नॉन पेरिसेबल आइटम में लिया जाएगा, तो वहां पर ये रेंज 50% ही होगी। अब आप यहां पर दोस्तों सपोज कीजिए कि तो यहां ये रहा एक्चुअली में 5 साल के आलू का प्राइस, उसका 5 साल का एवरेज तकरीबन 24 रुपए हो गया। यहां पर ये पेरिसेबल आइटम है इसीलिए इसकी रेंज जो होगी 24 के बाद 24 और ऐड हो जाएगा, यानी 48 तक का। यानी दोस्तों आलू जो है अगर 48 रुपए के ज्यादा ऊपर गया तो सरकार इसको होर्डिंग मान लेंगी और होर्डिंग मानने के बाद स्टॉक लिमिट लगा सकती है। तो दोस्तों यहां पर आप खुद समझिए, किसान को एक एडवांटेज मिल गया कि उसको पहले ही पता चल जाएगा कि इतने से ज्यादा रुपए में कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा, अगर बेचने की कोशिश करेगा तो होर्डिंग का उस पर केस लग जाएगा, सरकार स्टॉक लिमिट फिक्स करके एक्शन लेने के लिए आ जाएगी। तो ये तो किसान को पता चल जाएगा, उसके हिसाब से वो बार्गेनिंग करके अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहे एग्रीमेंट के थ्रू तो ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर किसी कॉर्पोरेट की,
उसकी होर्डिंग करने की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में 40 रुपए आलू हो गया और कोई कॉर्पोरेट सोचे कि मैं अब एकदम से होर्डिंग कर लेता हूं, स्टॉक जमा कर लेता हूं अपने पास और मैं उसको बेच दूंगा, वो पता चला आज होर्डिंग कर रहा है और कल ही 48 से ज्यादा प्राइस जो हो गया आलू का हो गया, तो गवर्नमेंट यहां पर तुरंत एक्शन लेगी, स्टॉक लिमिट इंपोज कर देगी और उसके बाद उन सारे होर्डिंग करने वालों पर तुरंत कार्यवाही कर सकती है। तो यहां पर दोस्तों ये एक तरीके से खुद सिग्नल का काम करेगा कि भाई इस रेखा को, लक्ष्मण रेखा को आपको पार नहीं करना। और यहां पर काफी सारे मल्टीप्लेयर्स होंगे क्योंकि एक आदमी तो सारा भारत का आलू खरीद नहीं लेगा और यहां पर वो एक तरीके से मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर नहीं सकता, तो इसकी संभावना काफी कम हो जाती है। क्योंकि यहां पर दोस्तों स्टोरेज का भी एक तरीके से खेल आ जाता है, उन सब चीजों को स्टोरेज करने के लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इस मामले में होर्डिंग उस लेवल की होना अब पॉसिबल नहीं है जो आज से 40-50 साल पहले होती थी। इसलिए होर्डिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस समय हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता था कम होता था, आज के समय में काफी ज्यादा हो रहा है और उसको स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर किस तरीके से ये आगे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ता हुआ हमारा कदम है, होर्डिंग के खिलाफ बढ़ता हुआ एक इंपॉर्टेंट कदम है। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड इंपैक्ट की। तो दोस्तों देखिए, ये थर्ड इंपैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप सबने फार्मिंग एग्रीमेंट वाले वीडियो में ये समझ लिया होगा कि किसान अगर किसी तरीके से ऑर्डर पूरा नहीं कर पाता, कॉर्पोरेट्स के द्वारा दिए गए ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाता, तो यहां पर किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट उसको हरास करने की कोशिश नहीं करेगा या किसी इस तरीके से हरास नहीं करेगा कि अपना वो फायदा रिकवर करने के लिए किसान की जमीन को खरीद ले या फिर वहां पर किसी तरीके का परमानेंट स्ट्रक्चर बना ले किसान की मर्जी के बिना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो फार्मिंग एग्रीमेंट वाला एक्ट है इन दोनों चीजों को प्रोहिबिट करता है। लेकिन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर फार्मर जो है अपने फार्मिंग एग्रीमेंट में फोर्स मेजियोर या एक्ट ऑफ गॉड प्रोविजन को इंक्लूड करा लेते हैं तो उनकी यह समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये फोर्स मेजियोर होता क्या है, तो ये एक ऐसा कॉमन क्लोज होता है जो कि दोनों ही पार्टी को इस बात से फ्री कर देता है कि मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ, जैसे कि एक तरीके से युद्ध हो गया, स्ट्राइक हो गई यानी एक तरीके से हड़ताल हो गई, दंगा हो गया, कोई अपराध हो गया या कोई महामारी आ गई जैसे इस समय कोरोना वायरस है, या फिर कोई भी एक्ट ऑफ गॉड हो गया यानी कोई ऐसी चीज हो गई जो उस फार्मर के ना ही कंट्रोल में थी और ना ही किसी कॉर्पोरेट के हाथ में था उसका कंट्रोल, और वो चीज हो गई, तो यहां पर दोस्तों वो जो किसान है किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहां पर दोस्तों फोर्स मेजियोर का अगर प्रोविजन होगा तो दोनों के दोनों इस ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएंगे और उन दोनों पर किसी भी तरीके की एक दूसरे पर वो कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। यहां पर सपोज कीजिए दोस्तों कि किसान है, वो ये कहता है कि मैं आपको 100 क्विंटल आलू दूंगा 10,000 रुपए में और आप एक्चुअली यहां पर आकर मुझसे ये खरीद लीजिएगा, और यहां पर कॉर्पोरेट है वो भी कहता है कि मैं इस डेट को आपके पास आऊंगा और आलू ले लूंगा, लेकिन बीच में क्या हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई जिसके कारण यहां पर ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया और किसानों को कह दिया गया घर में बंद रहो और वो अपने फसल का देखभाल नहीं कर पाए और उसके कारण उनकी फसल खराब हो गई। तो यहां पर जो फोर्स मेजियोर का अगर प्रोविजन रहेगा तो ना ही यहां पर कॉर्पोरेट पर 10,000 देने का ऑब्लिगेशन होगा और ना ही फार्मर्स पर वो एक तरीके से जो ऑर्डर होगा उसको पूरा करने का किसी तरीके का ऑब्लिगेशन होगा, और इसके लिए अगर ऑब्लिगेशन ना पूरा करने पर किसी तरीके की एक तरीके से सजा का प्रावधान हो तो वो भी लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों हर तरीके के जुर्माने या एक तरीके से दूसरे हथकंडों से बच सकते हैं और उनका एक्सप्लोटेशन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके का भी प्रोविजन अगर इंक्लूड किया जाए तो किसानों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद से दोस्तों जो फोर्थ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है इन तीनों फार्म बिल का फार्मर्स पर, वो ये है कि इससे एग्रीकल्चर का पूरे हद तक फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहां पर किसान जो है मार्केटिंग करेगा और वो मार्केटिंग फार्मिंग एग्रीमेंट के अंडर में करे या ईनेम के तहत करे या फिर एपीएमसी के तहत करे, इन तीनों ही माध्यम के थ्रू उसका डिजिटल डाटा रिकॉर्ड तैयार होगा और इससे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में काफी हेल्प मिलेगी, जिससे कि दोस्तों फार्म इंश्योरेंस कराने में आसानी होगी
उनको क्रेडिट फैसिलिटीज मिलने में आसानी होगी, जो कि अब तक जमाखोर थे या एक तरीके से एपीएमसी वाले थे वो क्या करते थे, किसानों से खरीद लेते थे सामान और उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते थे और उनका एक्सप्लोटेशन करते थे बाद में। तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, साहूकार के चंगल से किसान जो है मुक्त हो जाएगा एग्रीकल्चर के फॉर्मलाइजेशन से, क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर होगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स भी किसानों को मिल जाएंगे ईएसआई या ईपीएफओ के थ्रू, क्योंकि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे। तो इस तरीके से पूरे के पूरे एग्रीकल्चर का फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा जो कि फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा दोस्तों जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होने वाला है फ्यूचर में हमारे देश के एग्रीकल्चर पर, वो ये होने वाला है कि लैंड रिकॉर्ड भी काफी अच्छे से प्रिपेयर होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर कोई भी फार्मिंग एग्रीमेंट किसी कॉरपोरेट के साथ कोई फार्मर करेगा तो वो कॉरपोरेट यूं ही एग्रीमेंट नहीं कर लेगा, उससे पहले वो ये देखेगा कि क्या जो किसान के पास खेत है वो इस लायक है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकते हैं या नहीं। तो उस हिसाब से वो खुद काफी सारी चीजों को एक्चुअली देखेगा, वो वहां पर लैंड फर्टिलिटी को चेक करेगा, वो वहां पर ग्राउंड वाटर लेवल को चेक करेगा, जो लैंड का कंपोजिशन है उसको चेक करेगा, क्रॉप पैटर्न को देखेगा, इसके अलावा जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं लैंड कवरेज की उसका डाटा तैयार होगा। अगर ओवरऑल जिस डाटाबेस में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और गवर्नमेंट इसका एक्सेस कर पाए तो ये सारा कुछ काफी इंपॉर्टेंट होगा और काफी हेल्पफुल डाटाबेस तैयार होगा। इससे सॉयल हेल्थ कार्ड यूसेज का पता चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो डाटा होगा ये हमारे रिसोर्सेज का काफी इफिशियंट यूज करवाएगा और जहां पर जो लैंड जिस चीज के लिए एक तरीके से उपयुक्त होगा वहां पर उसी चीज को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ये डाटाबेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीड्स, इनका काफी इफिशियंट तरीके से इस्तेमाल करने में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों जो ये बार बार समस्या रहती है कि कोई क्रॉप का ओवर प्रोडक्शन हो गया और किसी का स्केयर प्रोडक्शन हो गया, उस समस्या का भी अंत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड रहेगा हर सीजन का और इसमें हम बता पाएंगे कि किस एरिया में क्या क्या उगा है और उससे कितना प्रोडक्शन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इफिशियंट तरीका होगा आने वाले समय में। इसके अलावा दोस्तों एक सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है, इसका फ्यूचर इंपैक्ट होने वाला है, वो ये है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में स्पॉन्सर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि फार्म सर्विस जो है वो प्रोवाइड करे फार्मर्स को, ये बर्डन फार्मर्स के ऊपर नहीं है। यहां पर फार्म सर्विस का मतलब मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कोई स्पेशल टाइप के सीड्स हो गए या फिर एक तरीके से कोई और दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गई, वो सारा का सारा स्पॉन्सर प्रोवाइड कराएगा फार्मर को। तो ये एक काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। इससे भी दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा एग्रीकल्चर का काफी कम होगा और इन सब चीजों के होने पर जो एमएसपी ना मिलने के कारण जो फार्मर्स की इनकम को लॉस होता था वो सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं यहां पर ओवरऑल ये कहना चाहता हूं कि इन तीनों फार्म बिल का काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा फार्मर्स की लाइफ पर। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम उस पर लॉजिकल डिस्कशन करके उसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको देंगे।